आज मेरे दोस्त की शादी के पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं। I wish you the very best, Mr. Ganguly and Mrs. Ganguly. I would like to call my son Shaurya, जो Mr. Ganguly को अपना गुरु, अपना मेंटर मानता है। My very handsome son, Shaurya. वो Ganguly सर के लिए जो मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया ना, उसके लिए। Yeah, please. My son Shaurya, इन्होंने एक छोटी सी फिल्म अपने गुरु के लिए बनाया। डोंट वरी गाइस, मैं आपको अपने डैड की तरह लेक्चर देके बोर नहीं करूंगा, सीधा आपको फिल्म दिखाऊंगा। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? लाइट्स अप। अब आप भी कुछ नहीं कर पाओगी मिसेस साक्षी गोयनका। साक्षी, come on, let's go. क्या हुआ? पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है कुछ तो जरूर होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। राजनाथ ने मिस्टर गांगुली से बात कर ली है रिश्ते की, and he's really happy about it. Come on, let's go. सागरिका और मिसेस गांगुली, मैं आप दोनों से एक बार माफी मांगना चाहती हूँ। आज मैं आपकी जिंदगी का कड़वा सच नहीं बल्कि रविंद्र गांगुली का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। दुर्गा प्लीज। वी प्रेजेंट यू आवर डियरेस्ट फ्रेंड रविंद्र कुमार गांगुली, एक इंसान जिसके कई रूप हैं, अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे टीचर, एक लायक वाइस चांसलर, अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स। अपनी करनी आप भुगत, इसी पे चलता ये जगत। इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है? आसान भाषा में कहा जाए तो जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, यही नियम है इस संसार का। वैसे संसार का एक और नियम भी है, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ वुमन बिहाइंड हिम। रविंद्र गांगुली भी आज जो हैं, उसके पीछे उनकी पत्नी मिसेस संगीता गांगुली का बहुत बड़ा हाथ है। आज 25 साल हो गए हैं उनकी शादी को। इन 25 सालों में अगर मिसेस संगीता गांगुली ने कुछ पाया है तो वो है उनकी बेटी सागरिका। हंसता खेलता सुखी परिवार है इनका, लेकिन ऐसा सिर्फ दुनिया को, आप सबको लगता है। मिस्टर रविंद्र गांगुली, आज अपनी करनी आप भुगत, दुनिया की नजरों से छुपके जो कुछ करते आए हो उस सब का हिसाब देना होगा तुम्हें आज। पापा का अफेयर चल रहा है, वो भी नंदिनी के साथ। पर में नंदिनी की कोई गलती नहीं। कुछ नहीं होगा, 2 मिनट की तो बात है, बस फिर हम मिल रहे हैं ना। सर, आपने कहा था कि पिछले रिसर्च पेपर अप्रूव होते ही ये सब बंद हो जाएगा, तो फिर कब तक सर? ये तुम्हारे थीसिस पेपर्स लेके जाओ, दूसरा गाइड ढूंढ लो, मैं अप्रूव नहीं कर रहा। जा, ले जा, तो, नंदिनी। वो मेरी उम्र की है, वो मेरी दोस्त है। हाँ, ये कैसे, किसने, किसी भले इंसान का काम होगा बेटा, जिसने शायद हमारी अच्छाई अच्छाई होगी। उसके डैड पापा के दोस्त थे, फिर भी हाँ।
ये क्या है शौर्य? I'm shocked. ये था गांगुली का असली चेहरा? तुम्हें कैसे पता चला? दुर्गा, जितनी शॉक्ड तुम हो ना, उतना ही मैं भी शॉक्ड हूँ. ये क्या है, कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता. लेकिन फिल्म तो तुमने ही बनाई थी ना शौर्य. I must say, I'm very proud of you. क्या बोल रहे हो तुम ये? रूम नंबर 203, पलाश होटल, 2 घंटे की बुकिंग. रविंद्र कुमार गांगुली, एक इंसान जिसका असली रूप आप सबके सामने है, जिसे बेस्ट विशेस देने आए हैं आप सब आज यहाँ. लेकिन क्या ये इंसान आपकी बेस्ट विशेस के लायक भी है? रविंद्र गांगुली, जिसने गुरु का लिबास पहनकर अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट किया, इस्तेमाल किया, आज तक आपने जो चाहा, जैसा चाहा मैंने किया, हर तरह से आपने मेरा फायदा उठाया और मैं सहती रही. तुम सिर्फ कीमत चुका रही थी. तुम्हें पास मैंने करवाया, नकली डिग्री दिलवाई, नौकरी दिलवाई मैंने तुम्हें. तुम उसके बदले में जो सिर्फ खुश कर रही थी, बस. मैं मजबूर थी और आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया. बेटा, हमारा व्यवसाय, इट इज माई बिजनेस. इतना बता दो तुमको, तुमसे भी ज्यादा यंग और खूबसूरत लड़कियां मुझसे ये नकली डिग्रीज ले चुकी हैं. और हाँ, मेरे बारे में कंप्लेंट करने की सोचना भी मत. कहीं ऐसा ना हो बेकार में तुम और तुम्हारी फैमिली तकलीफ में आ जाए, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत पावरफुल लोगों का सपोर्ट है मुझे. मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा इंसान आपकी शुभकामनाएं या आपकी दोस्ती के भी लायक है? बिल्कुल सही ट्रिब्यूट दिया तुमने गांगुली को. ऐसे जानवर को तो एक्सपोज करना ही चाहिए. वेल डन शौर्य. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. पर ये डीवीडी मेरी नहीं है, लगता है किसी ने मेरी डीवीडी चेंज कर दी. ये वीडियो बंद कर, मैंने कहा ये वीडियो बंद. और ये क्या प्ले किया तूने? हाँ, ये आपने तो भिजवाया था. ये सीडी मेरी नहीं थी. मिस्टर गोयनका, आप तो मुझे जानते हैं. इट्स ऑल फॉल्स. आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? संगीता, संगीता बताओ लोगों को, क्या मैंने तुम्हें कभी मारा है? संगीता, क्या मैंने तुम्हें कभी कैसे मारा है? मेरा अफेयर हुआ है कभी आज तक? बताओ सबको. मिसेस गांगुली, ये मौका फिर नहीं आएगा और इसके बाद खुद अपनी नजरों में और गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको. दुर्गा माँ की कसम, रक्षक को तो मरना ही पड़ेगा. माँ, इसे शक्ति दो. माँ, नहीं. There you heard it. अरे जरा ऊंचा बोलो ताकि लोग सुन सकें. सच क्या है, जोर से बोलो. ये कुछ भी झूठ नहीं है, सब सच है. आप लोगों ने जो भी देखा, कानों ने जो भी सुना, सब सच था. ये इंसान जिसे आप सब वाइस चांसलर गांगुली के नाम से जानते हैं, एक टीचर के भेष में एक जानवर है, जिसने मेरी ही दोस्त को एक्सप्लॉइट किया, अपनी बेटी की उम्र के स्टूडेंट को इतने गंदे इरादों का शिकार बनाया. पास! अरे ये मजाल. हाँ, मेरी ये मजाल. Thank you.
रहकर मैंने अपने बेटे के साथ अन्याय किया है, चुप रहकर मैंने बेटी के भविष्य के साथ अन्याय किया है, चुप रहकर मैंने इस बात का सहारा लिया है कि कल अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो तो वो भी चुप रहेगी। और बस, रोपेंद्र कुमार गांगुली, अब बस। तुम जैसे इंसान फलते फूलते इसलिए हैं क्योंकि हम जैसे लोग चुप रहते हैं। तुम गुनेगार हो और चुप रह के मैं भी तुम्हारे साथ गुनेगार बन गई हूँ। चलो, फिर सब आई थिंक हमारे यहां रुकना ठीक नहीं। चलो सब आगे। सर सर सर, क्या आपको पहले से ही पता था कि वाइस चांसलर फेक सर्टिफिकेट्स का धंधा करता है? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे शहर में ऐसा कुछ हो रहा था और वो भी इतने बड़े पब्लिक इंस्टीट्यूशन में। इस बात की पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। एक्सक्यूज अस सर, प्लीज प्लीज प्लीज। सो मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर, आप तो सब सच जानते हैं, ये सारी सच्चाई कोर्ट में बता दीजिए सर। ये क्या कर रहे हैं आप सर? ऐसा सब कुछ नहीं कर रहा जो पहले भी मुझे ज्यादा ना करूं। ये पूरी दुनिया को बताऊंगी। आई विल एक्सपोज यू रोबिंद्रो गांगुली। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम। मिस्टर गोयनका, आप इन सबके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शहर के सबसे बड़े बिजनेस हाउस होने के नाते हमारा काफी कंट्रीब्यूशन रहता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। आज मिस्टर गांगुली का ये रूप देखकर हमें बहुत अफसोस हो रहा है। कैसे किस इंसान को हम जानते भी थे। हमने सुना है कि गांगुली वाइस चांसलर आपकी दुआ से बना था। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा घटिया सवाल पूछने से पहले। इस पार्टी में आया हर एक मेहमान गांगुली के असली चेहरे के बारे में नहीं जानता था। अगर जानता तो आपको क्या लगता है गांगुली आज इस मुकाम तक पहुंच पाता? और रही बात गोयनकास की, उन्होंने गांगुली का नाम वाइस चांसलर के लिए सजेस्ट किया था, तो आप लोग शायद गांगुली के एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं जानते। ही वॉज द बेस्ट, और उसकी इसी काबिलियत को देखते हुए गोयनका ने गांगुली का नाम सजेस्ट किया था। Excuse me. आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है। Will you please excuse us now? चले प्लीज। दुर्गा, थैंक यू बेटे। I'm really sorry, Mr. Goenka. मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। बाबा हमेशा एक बात कहते हैं कि आप अच्छा करने जाओ तभी भी लोग उंगली उठाएंगे। इतने सालों से वाइस चांसलर बनकर जब गांगुली यूनिवर्सिटी में बिजनेस चला रहा था तब क्या ये मीडिया सो रही थी? Anyways, मैं चलती हूँ। मित्र का वाव, यू आर इंप्रेसिव। तुमने इस प्रेस वालों की तो बोलती बंद करती। और मैं क्या करती? ये जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की क्या गलती है? उन्हें गांगुली जैसे इंसान की क्या जरूरत है? इट्स रियली अपसेटिंग। थैंक यू सो मच। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। ओके। शौर्य, नो दुर्गा, इफ यू डोंट माइंड हमारा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा।
क्योंकि आज की इस सिचुएशन के बाद मुझे नहीं लगता शौर्य को अकेला छोड़ सकते हैं हम। After all, तुम जानती हो ये मीडिया वाले गोइंका के पीछे ही पड़ जाते हैं। It's okay, Mrs. Goenka. I understand your situation. मैं तो शौर्य को सामने से ही मना करने वाली थी। मैं चली जाऊंगी। ये अच्छा मौका है नित्या के बारे में पता लगाने का। छोटी माँ, ये रुक भाई, दुर्गा को घर में छोड़ दो। That's good. Thank you, बेटा। चले। अगर तुम सोच रहे हो कि दुर्गा को तुम मुझसे छीन ले जाओगे तो गलत सोच रहे हो बड़े भैया। दुर्गा मेरी जिद है, उसके और मेरे बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा।